ये ऐसी ताकतवर दुआ है, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं लिया, बाकी पोते पोतियां नवासे नवासियां उनसे अगली नस्ल। तो मेरे नबी ने बच्चे के साथ क्या मामला किया, क्या डील किया? पहले अल्लाह की किताब से देखते हैं तो अल्लाह ने इसको सबसे बड़ी बशारत जिक्र किया, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी सुनाई। फिर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात में से एक सिफत ये जिक्र की कि वो ये मुझसे मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युनिन वज़अलना लिल्मुत्तक़ीना इमाम। ये ऐसी ताकतवर दुआ है। अरबी ज़ुबान में देने के तीन लफ्ज़ हैं, आता आता वहाबा, तीन लफ्ज़। आता का मतलब है देना, लेकिन उसमें वापस लेने का भी इहतमाल होता। आता का मतलब होता है दे देना, वापस नहीं लेना। इन आतैना कल कौसर, हमने आपको जन्नत की चाबी दे दी, अब वापस नहीं लेंगे। तो तिल मुल्क मन तशा, हम जिसको चाहते हैं बादशाही देते हैं, लेकिन वापस भी ले सकते हैं। व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा, उसके साथ ही लगा हुआ। आता देना, जिसमें वापस लिया जा सकता। आता अतिया, देना वापस नहीं लेना। वहाबा, वो चीज़ देना जिसका लेने वाले को ख्वाबो ख्याल भी ना हो, वो देना तसव्वुर में हो कि मुझे ये मिलेगा तो थोड़ी खुशी होती, जब तसव्वुर से बालातर होकर मिलता है तो खुशी की इंतहा होती। उसके लिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वहाबा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि रब हबली मिन अस्सालिह, हब आतेनी, आतेनी भी ठीक था, रब आतेनी मिन अस्सालिह, या अल्लाह मुझे नेक बच्चा दे, रब हबली मुझे हिबा हो ऐसा कि जो मेरे तसव्वुर से भी बाला था। तो उनकी दुआ क्या है, वो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना। अजवाज बीवी खाविंद दोनों पे बोला जाता है, एक फैमिली के लिए आ रहा है। तो फैमिली तीन तरह होती है, खाविंद बीवी औलाद। तो तीन अजवाज के लफ्ज़ ने दोनों को ले लिया, खाविंद को भी बीवी को, और ज़ुर्रियातिना ने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं लिया, बाकी पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ उनसे अगली नस्ल को, ज़ुर्रिया आने वाली सारी नस्ल को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की खूबियों में से एक खूबी ये बयान की है कि वो मुझसे ये कहते हैं कि हमें ऐसी औलाद और ऐसी बीवी दे, ऐसा खाविंद दे जो हमारे तसव्वुर से भी बालातर हो। वो क्या हो, वो कुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक हो।